नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्राची। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। आज इन राशियों पर रहेगी भगवान शंकर और गणेश जी की कृपा। आइए पढ़ते हैं राशियों का हल। आज 28 जुलाई गुरुवार को सावन कृष्ण पक्ष की पंचम तिथि है। इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सावन शिवरात्रि पर जल अर्पित करने से भगवान की कृपा मिलती है। सावन चतुर्दशी और बुधवार का दिन होने से 28 जुलाई को भोलेनाथ के साथ सभी राशियों को गणेश भगवान की कृपा भी मिलेगी। आइए जानें कैसा रहेगा गुरुवार को सभी राशियों का हाल। मेष राशि, आत्मविश्वास रहेगा परंतु उत्साहित होने से बचें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। भागदौड़ अधिक रहेगा, मन अशांत रहेगा। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में वृद्धि हो सकती है। परिश्रम अधिक रहेगा, परिवार की समस्या परेशान कर सकती है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है। वृष राशि, लेखनाधिक बौद्धिक कार्य में व्यस्तता बढ़ेगी, आय में वृद्धि होगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी में कार्यभार हो सकता है। धैर्य शीतलता में कमी रहेगी। मन में नकारात्मक विचार का प्रभाव हो सकता है। कार्य क्षेत्र की स्थिति में सुधार होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन भी हो सकता है। मिथुन राशि, बातचीत में संयम रखें। नौकरी में अवसरों का सहयोग मिलेगा। कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मिल सकती है। आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। रहन सहन कष्टमय रहेगा। शैक्षिक कार्यों में कठिनाइयां आ सकती है। कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी। वाहन के रखरखाव पर खर्च बढ़ सकता है। परिवार में कलहपूर्ण स्थिति हो सकती है। कर्क राशि, क्रोध एवं आवेश के अतिरेक से बचे। धर्म के प्रति श्रद्धा भाव रहेगा। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। आशा निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। बातचीत में संतुलन बनाए रखें। वाणी में कठोरता का प्रभाव हो सकता है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। सिंह राशि, कला या संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। भाई बहनों के सहयोग से कारोबार में निवेश कर सकते हैं। परिश्रम अधिक रहेगा, खर्च बढ़ेंगे। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा की मन स्थिति रहेगी। आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। अति उत्साहित होने से बचें। जीवन साथी के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का विकार हो सकता है। कन्या राशि, मन परेशान हो सकता है। व्यर्थ के क्रोध एवं वाद विवाद से बचें। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक तनाव रहेगा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है। वस्तु के प्रति रुझान बढ़ेगा। नौकरी में परिवर्तन के अवसर मिल सकते हैं। तुला राशि, आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। धार्मिक संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। कारोबार में वृद्धि हो सकती है। क्रोध के अतिरेक से बचें। स्वास्थ्य को लेकर मन परेशान रहेगा। यात्रा के योग हैं। वृश्चिक राशि, मन में उतार चढ़ाव रहेंगे। शैक्षिक कार्यों में सुखद परिणाम मिलेंगे। कारोबार में लाभ के अवसर हैं। पारिवारिक जीवन कष्टमय हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आत्मसंयत रखें। क्रोध के अतिरेक से बचें। आय में कमी एवं खर्च की अधिक स्थिति हो सकती है। शैक्षिक कार्यों के लिए यात्रा पर जाना पड़ सकता है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। धनु राशि, मानसिक स्थिति शांत रहेगी। संगीत में रुचि बढ़ सकती है। नौकरी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। आशा निराशा के मिश्रित भाव रहेंगे। परिवार में आपसी मतभेद हो सकते हैं। पठन पाठन में रुचि रहेगी। शैक्षिक एवं लेखनात्मक बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलेगी। क्रोध की अधिकता हो सकती है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। मकर राशि, आशा निराशा के भाव मन में हो सकते हैं। कारोबार में वृद्धि होगी। परिश्रम अधिक रहेगा। शैक्षिक कार्यों में व्यवधान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। परिवार की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। माता का सानिध्य एवं सहयोग मिलेगा। शैक्षिक कार्यों में सफलता के योग हैं। विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। विवादों से बचकर रहें। कुंभ राशि, नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। किसी दूसरे स्थान पर जाना हो सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा। आय में कमी एवं खर्च अधिक की स्थिति रहेगी। धैर्य शीतलता में कमी रहेगी। उच्चाधिकारियों में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। परिश्रम की अधिकता रहेगी। मीन राशि, व्यर्थ के क्रोध से बचें। बातचीत में संयम रखें। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी मित्र के सहयोग से रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। परिवार में आपसी मतभेद हो सकते हैं। कला एवं संगीत के प्रति रुझान रहेगा। मन में प्रसन्नता के भाव रहेंगे। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकते हैं।
मित्रों के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। तो ये थी आज की राशिफल। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज के साथ आपके बदलते सितारों की दशा को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।